हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शिव 708। आज हम बात करते हैं कि इजीली मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो भी इतनी बड़ी डिजिट को। कैलकुलेटर की तरह हम भी इजीली बहुत जल्दी और कुछ सेकंड्स में, सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स में इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर की मदद के। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट की, 95 और 96 को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे जल्दी से मल्टीप्लाई करें कि कैलकुलेटर की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। तो बात करते हैं 95 और 96 की। 100 से कितना कम है? 95 कम है, ठीक है। और 96 कितना कम है 100 से? 4 कम है। अब 95 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 91 आ जाएगा। 96 में से 5 को माइनस करेंगे तो भी 91 आएगा, ठीक है। ये 91 आ गया। अब 5 चौका 20, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका आंसर यही आएगा। अब बात करते हैं सेकंड की, 93 और 91 की। 9300 में से कितना कम है? 7 कम है। 9300 में से 7 कम है और 9100 में से 9 कम है, ठीक है। 93 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 84। और 91 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 84 आएगा। अब 7 9 7 9 9 7 63 63, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से, और ये बहुत इजी तरीका है, आप खुद भी कैलकुलेटर बन सकते हैं इस इजी तरीके को जान के, ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। 92 और 97 का देखते हैं। 9200 से कितना कम है? 8 कम है। 97 कितना कम है? 3 कम है। 92 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 89। 97 में से 8 माइनस करेंगे तो भी 89 आएगा। 8 दिया 24, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट क्लियर हो जाएगा।